हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नो फैजन में। आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नोवा लिंट रिमूवर की, एंड हम इसकी टेस्टिंग भी करेंगे कि ये कैसे वर्क करता है एंड आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। चलिए हम जल्दी से इस फ्लिपकार्ट के बॉक्स को बाहर निकाल लेते हैं, तब तक आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बॉक्स से बाहर निकालते ही आपको कुछ ऐसा बॉक्स देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं एंड साइड में आपको देखने को मिल जाता है कि आपको इसे कैसे यूज नहीं करना है। दूसरी साइड में आपको बॉक्स सेम ही देखने को मिल जाता है। जैसे आप इसको साइड में करेंगे आपको पता चलेगा कि आपको इसको यूज कैसे करना है। जल्दी से हम इस मशीन को बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं। बॉक्स से बाहर निकालने के बाद आपको एक और ट्रांसपेरेंट बॉक्स देखने को मिल जाता है। जल्दी से हम इस मशीन को बाहर निकाल लेते हैं एंड इसकी क्वालिटी देखने में काफी अच्छी लग रही है एंड आपको लगता होगा कि ये इसका जो स्टोरेज बॉक्स है वो गंदा कैसे लग रहा है। इसको मैंने पहले भी यूज किया था ताकि मैं आपको अच्छे से रिव्यू दे पाऊँ। जल्दी से हम इस बॉक्स को साइड कर लेते हैं एंड इसकी वायर को खोल लेते हैं। इसका वायर खोलने के बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसकी वायर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है एंड इसकी लेंथ से आपको कोई भी इशू नहीं होने वाले। इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। अब मैं इस मशीन को आपको एक बार पास से दिखाता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस मशीन का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा हैंडी है एंड इसके ऊपर एक कवर भी देखने को मिल जाता है। जल्दी से मैं इस कवर को हटा देता हूँ। जैसे कि इस कवर को हटा दिया, आपको इस कवर को हटा के इसको यूज करना है। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की। अब जल्दी से हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। स्विच को ऑन करते ही आपको एक लाइट चलती हुई देखने को मिल जाती है एंड इसमें भी आपको एक स्विच देखने को मिल जाता है। जैसे कि मैंने स्विच को ऑन करा, इसका साउंड आना शुरू हो गया है एंड आपको इसे यूज करते टाइम पे हैंड पर वाइब्रेशन भी फील हो सकती है। जैसे कि मेरे हाथ पर मुझे ये वाइब्रेशन फील हो रही है एंड आपको इसको अपने फेब्रिक पर धीरे धीरे ही चलाना है जिससे कि आपको जो लिंट है वो अच्छे से रिमूव हो पाए। हमारे यहाँ पर लिंट को रुआ भी एंड रूटा भी बोलते हैं एंड आप कमेंट करके जो होता है ना, आपके यहाँ पर लिंट को क्या बोलते हैं एंड आपको इसको धीरे धीरे ही चलाना। इस वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं एंड इसके स्टोरेज बॉक्स को मैं खोलकर दिखा देता हूं। एंड आपको अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। जैसे कि अब मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। चलिए अब मैं इसका स्टोरेज बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। कितना कचड़ा जमा हुआ है। इसको ओपन करना काफ़ी सिंपल है। इसमें आपको पहले से मार्क देखने को मिल जाता है एंड आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें कितना सारा कचड़ा जमा हो चुका है एंड इसका क्लीन करने के लिए आपको एक ब्रश भी देखने को मिल जाता है इस बॉक्स में। अभी मैं उसको दिखाना भूल गया हूँ एंड आप क्लियरली देख सकते हैं कितना सारा कचड़ा जमा हुआ और इसने स्वेटर को काफ़ी अच्छे से क्लीन किया है जैसे कि आप लोग क्लियरली देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है जिस प्राइस पर यह आता है, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा हाँ, ये प्रोडक्ट अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है एंड आपको इसे डेफिनेटली बाय करना चाहिए इस प्राइस पर। इसका प्राइस है ओनली 450 रुपीज़। जब मैंने इसे खरीदा था इसका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, लाइक ये कभी 350 में भी मिल जाता है एंड 300 रुपीज़ में भी आपको देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर एंड अमेजोन पर इसका प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने फ्लिपकार्ट का जो बाय लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर ईजिली बाय कर सकते हैं। आप कमेंट कर जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से प्रोडक्ट के ऊपर चाहिए एंड उसका रिव्यू भी चाहिए या नहीं। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर देना ताकि आपसे हमारे चैनल की ऐसी वीडियो ना छूटे। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।